की दुआ है। आप कैसे हो? कंग्रेचुलेशन, जीत गए। फाइनली यस, थैंक यू। जब आओगे, अभी मैं थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को वापस आने में, मैं जरूर मिलूंगा पहले ना आपसे। शुभकामनाएं ले लीजिए। सच्ची मैं दिल से चाहता था कि खुशी के आंसू ब्रो से ना हम जीत गए। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode guys. आज इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है from वडोदरा guys. कल रात हम लोग वडोदरा ही रुक गए थे, मैंने आपके लास्ट वाले व्लॉग में दिखाया था guys. Anything is you know guys, सुपरा का आगे वाला फेंडर टूट चुका है. फिलहाल हम लोग ना बहुत इंटीरियर रुकने लग गए हैं. हम लोग ना हाईवे पे बिल्कुल नहीं रुकते अब. एक्चुअली पूरे इंडिया में दोस्त लोग यहीं जाने वाले, तो उनके घर रहते हैं, फार्म हाउसेज रहते हैं, तो हम लोग वहीं पर रुक जाते हैं. हम लोग जिस लोकेशन पर रुके ना वो बहुत अंदर थी, तो किसी को आइडिया नहीं लगा. एंड मैं आपको घर यहाँ से बता देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली बचा है लाइक 700 किलोमीटर्स. मैंने टोइंग वाले से बात करी तो टोइंग वाला बंदा बस सेइंग कि मैं ऑलमोस्ट 130,000 रुपये लूंगा दिल्ली तक के, वो जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था. एंड 700 किलोमीटर अब जो बचा है वो हाईवे बचा है. लोड करा करके बस सेइंग कि अप्रॉक्सीमेटली 3-4 दिन लगेंगे ड्रॉप करने के लिए. आप सोच रहे हो 3-4 दिन से पहले पहले तो हम मैच चला के ही पहुंच जाऊंगा. मैंने पूछा लोगों से, मेरी एलविश भाई की टीम से बात हुई है, वो एक्चुअली बॉम्बे गए कुछ काम के लिए. एंड आज का इस बिग बॉस का रिजल्ट भी आने वाला है. आई होप एलविश भाई जीते हैं, ट्रॉफी हमारे पास ही आए. जब एलविश भाई विनर अनाउंस होंगे ना, सारे सिस्टम हैंग कर देंगे गाइस. एंड मेरे से ज्यादा भाई में ना कोई खुश नहीं होगा. एंड अपनी सुपरा में लेने जाना तो बनता है गाइस. बस हम वेटिंग फॉर टुडेज रिजल्ट, देखते हैं क्या सीन बनता है. अगर एलविश भाई जीते तो गाइस मेरी तरफ से सबको पार्टी, एक भाई की जीत होगी. और ये रिश्ता ना बहुत अच्छा है, पता है आपको. देखो मैं नहीं जीत रहा हूँ वहां पर, बट अपना भाई जीतेगा ना तो सब लोग इतने खुश होंगे. आई गेस जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें रिश्ता समझ में आता होगा कि भाई शायद जो रिश्ता आपका मेरे से ना, वही रिश्ता मेरा आपसे और एलविश भाई से. कोई भी अच्छा करता है ना अपनी कम्युनिटी से, बहुत अच्छा लगता है. और आज ट्रॉफी हमारे पास ही आनी चाहिए. फिलहाल हम लोग रेडी हो चुके हैं गाइस एंड वी आर जस्ट लीविंग फ्रॉम हियर. हम लोग ना हाईवे से बहुत अंदर रुके थे, कोल्ड स्टार्ट करते हैं सुपरा को, निकलते हैं यार. क्या बोलियो, घर पहुंचने वाले, मम्मी डैडी को कारी दिखाने वाले. मैंने पूछा आंटी से, यहाँ पता क्या बोलता है, जय श्री कृष्णा. हाँ? जय श्री कृष्णा गुजराती लोगों. अभी आंटी आएगी, उन्हें भी बोलना. भाई साहब हम लोग निकल तो गए हाईवे से, बट द थिंग इज गाइस अब हम लोग एक स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पर लगने की पूरी पूरी उम्मीद है. बस आई होप और गड्ढे में नहीं जा रही, काट दूं टच भी नहीं होने दी. चलो जल्दी सतीश जी, जब तक हमारे साथ है ना. भयंकर था ये तो बहुत ही भयंकर था. गाड़ी के अंदर से तो और भयंकर लगता है. रेलवे ट्रैक सुपरा ने ना कभी सोचा भी नहीं होगा भयंकर, वो इंडिया आकर के रेलवे तो बहुत ज्यादा है, क्रॉसिंग क्रॉस कर रही होगी, निकल जाएगी. ये तो इजी है. मसला पता क्या, मसला ये नहीं है कि गड्ढा लंबा है, मसला ये कि हाइट नहीं होनी चाहिए. अगर हाइट नहीं है ना तो गाड़ी निकल जाएगी दोनों टायरों के बेसिस पे, बट अगर हाइट लंबी हो तो फिर नहीं निकलती सुपरा यार. सो हिमलो जी, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं गाइस जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे थे. एंड एक्चुअली वो एरिया थोड़ा सा अंदर था. अभी हम लोग आ चुके हैं एकदम मस्त वाले हाईवे पे. एंड द बेस्ट थिंग ऑफ बाइंग अ इंपोर्टेड कार इज गाइस, यहाँ पर हम लोग टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके थे. जितना भी टैक्स है गाइस वो आरटीओ में जा चुका है ऑलरेडी. एंड हर महीने ना ये टैक्स कम होता रहेगा. अभी शायद मैंने 10,000 रुपीज टैक्स भरा, इसके बाद 8,000, 7,000, 6,000, 5,000 करके खत्म होता रहेगा. तो जब मैं आरटीओ को रोड टैक्स पे कर रहा हूँ तो मुझे ना टोल पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे फास्ट टैग नहीं बन सकता गाइस. अपनी सुपरा पे फास्ट टैग किसी भी हालत में नहीं लग सकता. एंड उसी के लिए गाइस हमारे पास एक कार ने डॉक्यूमेंट है जो ऋतिका निकाल के बैठ जाती है जब भी हम लोग टोल टैक्स पर आते गाइस. ये डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और वो लोग हमें आराम से जाने देंगे यार. दिखा नहीं सकती ना डॉक्यूमेंट, मत दिखाना उन्हें, दिखाओ वो तो कह रही हूं. भैया इंपोर्टेड गाड़ी है, दिखाओ दिखाओ डॉक्यूमेंट दिखाओ. अभी वो भाई अपने सर से पूछेगा, ये ड्रिल तो हमें पता लग चुकी है इस टोल टैक्स पे. अगर उन्हें पता होगा तो वो आराम से निकाल देंगे, नहीं तो फिर वो अपने सर से पूछेंगे और फिर वो जाने देंगे. नॉर्मल लोगों को लगता है कि ये वाली गाड़ी और वाली गाड़ी सेम है, उसका ना ऑलरेडी फास्ट टैग है, उसका गवर्नमेंट का टैक्स आता है बिकॉज वो इंडिया में ही खरीदी गई. बट ये वाली गाड़ी इज नॉट लाइबल फॉर एनी टैक्सेस क्योंकि टैक्सेस ऑलरेडी पेड है गाइस सारे गवर्नमेंट को. ओके बॉयज निकल गए हम लोग टोल से और सतीश जी टोल पे, सतीश जी को हर टोल पे समझाना पड़ता है उन्हें कि भाई ये कार ने पे आई है. फिर हमें ये ड्रिल पता लग चुकी है. एक्चुअली लोकल गाय को नहीं पता रहता है व्हाट इज कनेक्ट, तो वो अपने ऑफिसर से पूछते हैं, विच इज ओके राइट. जब वैसे भी इम्पोर्ट गाड़ियां बहुत कम इतना लंबा ट्रैवल करती हैं. बॉम्बे और केरला में ना बहुत सारी इंपोर्टेड गाड़ियां गाइस, एंड इसीलिए गाइस केरला के साइड पीपल हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज. नॉर्थ साइड में थोड़ा सा कम है इंपोर्टेड गाड़ियों का चाल चलन. एंड द थिंग इज गाइज आज है 14th of August, कल आपको पता है गाइज 15 अगस्त है. एंड हमारे देश के लिए कितना बड़ा दिन है, इसीलिए गाइज हम लोग लगाने वाले हैं. ये चेक करो गाइज, ये रहा इंडिया का झंडा भैया. हाँ, भारत महान, मेरा भारत हमेशा महान. ये वाला भैया कितने गए, बाहर तो नहीं लग पाएगा, लग जाएगा भैया. पेपर का ये वो
खराब हो जाएगा भैया, पानी में भीग जाएगा तो एक बाहर एक अंदर आ जाओ। मुझे अपनी गाड़ी पे अपने देश का झंडा चाहिए, पता लगना चाहिए ना दुबई नंबर प्लेट पे इंडिया। यार हम लोगों ने ना बाहर एक्चुअली इंडियन फ्लैग लगाने की कोशिश करी, बट द थिंग इज पता क्या होता है हाई स्पीड पे ना वो नीचे गिर जाता, एंड आपको पता है कि गाइस वी कांट डू दैट। एंड ये चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि अभी 15 अगस्त आ रहा है ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग फ्लैग लगाएंगे अपनी गाड़ियों पे, बट अगले दिन कहीं पर वो रोडों पे पड़ा होता है, कहीं पर फेंक देते हैं। तो मेक श्योर गाइस अगर आप गाड़ी पे लगा रहे हो तो ध्यान रखना, उतनी इज्जत जितनी इज्जत 15 अगस्त को करते हो ना, उतनी इज्जत इस भारत के झंडे की 15 अगस्त के बाद भी करना। एंड दैट वॉज ओनली रीजन मैं बाहर लगा था, उड़ता फिर दिक्कत होती भारत माँ के लिए, वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होता, इसीलिए हम लोगों ने एक फ्लैग लगाया गाइस यहाँ पर और एक फ्लैग लगाया मेरे हाथ पे। मैं ऐसे फहराता हुआ जाऊंगा गाइस भारत माता की जय, कमेंट सेक्शन में स्पैम गाइस। पुलिस वाले मेरे को बोल रहे मोबाइल सर मेरे तो, अच्छा पुलिस वाले ने पता क्या सोचा कि तुम राइट व्हील ड्राइव हो, समझ गए अच्छा, हाँ। पुलिस वाले ने सोचा तुम राइट व्हील ड्राइव हो, तुम रिकॉर्ड कर रही हो, मेरे को बोल रहे मोबाइल यूज कर रहे हो गाड़ी चलाते हुए। मैंने कहा सर सर उधर से चल, ये इधर से चलती है सर। बहुत कॉमेडी सीन हो गया था यार, तो जल्दी जल्दी हां जल्दी सर हमारा ड्रीम कंप्लीट हो गया, आपसे मिलने का हमारा ड्रीम था। I love you भाई, बहुत सारा प्यार भाई साहब, पैर टूर मत छुआ करो गाइस, भाई फैन हो फैन की तरह मिलो, बट भाई हो प्लीज पैर टूर मत छुआ करो, बहुत ऑफ होने लगता है कभी कभी सीन, ऐसे भी कुछ नहीं कर रहा यार, और हम सब भाई लोग हैं भाई, भाई वाली इज्जत दो, दैट्स इट, पैर टूर मत छुआ करो, हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील होने लग जाता है भाई, ठीक है मैं वीडियोस बना रहा हूँ, यू आर लविंग इट, एंटरटेनमेंट, दैट्स इट, अपने माँ बाप के पैर छुओ, दैट्स इट, जिंदगी में अपने माँ बाप के अलावा, बट वो छू इसलिए छूते हैं क्योंकि तुम उनके आइडल हो, आइडल होने वाली बात अच्छी बात है गाइस, बट अपने माँ बाप के अलावा किसी के पैर मत छूना जिंदगी में, और अपने माँ बाप से बड़ा किसी को मत बनाना जिंदगी में, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो भाई, आज मैं हूँ कल अगले दिन कोई और क्रिएटर आएगा जिसे आप इतना पूछोगे, बट माँ बाप की जो वैल्यू है ना, माँ बाप की जो इज्जत है वो किसी और को मत देना। और गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सप्रेस वे पे, और रितिका ने निकाल दिया अपने कारनेट वाले डॉक्यूमेंट, फिर से इन्हें समझाना होगा गाइस कि हम लोग कारनेट पे इंपोर्टेड गाड़ी है, दैट्स इट। एक साइड का पैनल नीचे लग गया सुपरा का, और शायद से लाइट टूट चुकी है क्योंकि लाइट नहीं जल रही है लेफ्ट वाले पैनल की, एक साइड इधर भी लगा भी, मेरे को इतना दुख दर्द हो रहा है ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत दर्द, ऐसा वो सी आवाज आ रही है, दिल में दर्द हो रहा है, ये क्या हो रहा है भयंकर। हमें ना भोपाल वाले रास्ते से ही आना चाहिए था, अहमदाबाद के रास्ते बहुत खराब है गाइस, सच्ची में सुपरा के गाइस फ्रंट वाले फेंडर टूट चुके हैं, सुपरा की साइड वाली लाइट भी आज टूट चुकी है, मैं तो अभी देख भी नहीं रहा हूँ, मैं आपको आगे दिखाऊंगा ना कि भयंकर एक साइड की लाइट टूट चुकी है गाइस, 2.5 लाख रुपए की लाइटिंग कराई है पूरी गाड़ी में, और गए 50,000 रुपए गए अगली बारी, लेकिन यहाँ से नहीं लेके आएंगे रितिका, यहाँ से तो आएगी नहीं, अभी घर पहुंच जाए बस, सच्ची में गाइस बस घर पहुंच जाए बस, बहुत बहुत दर्द हो रहा है दिल में ना, जब भी नीचे लग रही है। ओके गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं गाड़ी के अंदर, और मैं और अभी मैं देख रहा हूँ बिग बॉस एलिमिनेशन हो रही है, वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट पढ़ के हटा देंगे, अभी एल्विश कौन कौन मचा है, एल्विश अभिषेक और मनीषा, एल्विश और मनीषा, एल्विश अभिषेक और मनीषा कौन, बस तीन बचे हैं, तीन बचे हैं बस, बेबी का निकल गई। ओके बॉयज फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जहाँ पर सलमान खान आने वाले विनर का हाथ, प्राइस मनी, ओ भगवान जी प्लीज एल्विश भाई, भगवान जी प्लीज प्लीज भगवान जी एल्विश, 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 तो जनता आपका फैसला हमारे पास है, आपके पहले दिए गए वोट्स
और अभी 15 मिनटों में जो वोट्स आपने दिए हैं, ये करोड़ों लाइव वोट्स को मिलाकर रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। गाइस सिस्टम हैंग एल्विश भाई एंड हम सब लोगों की जीत हो गई। पॉज कर दो से। वी वॉन गाइस, अभी जीत गए हम लोग। भाई चारों ऑन टॉप। हमारे भाई की जीत हुई है गाइस, हमारे भाई की जीत हुई है। शुक्रिया टू एवरीवन हु हेल्प एंड सपोर्ट एल्विश भाई। भाई ब्रो सेना, लाइक तुमने मुझे सब तुम्हें पता है कि एल्विश भाई ने मुझे किस टाइम पे सपोर्ट करा एंड शुक्रिया साथ देने का वोटिंग में। मैं इंस्टाग्राम के स्टार्ट बताता हूँ, 5-5 लाख स्वाइप अप के वोट्स थे, ब्रांड्स में भी नहीं हुए होंगे आज तक इतने जितने तुमने एक भाई को सपोर्ट करा है। शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, दिल से खुशी आज अपने भाई के लिए, दिल से खुश हूँ यार। पापा ने बोला था रहना तो सिस्टम के नीचे ही पड़ेगा, रहना तो सिस्टम के नीचे ही पड़ेगा। वाइल्ड कार्ड एंट्री, जीत गए, वाइल्ड कार्ड एंट्री। इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी, कांट टेल यू द हैप्पीनेस बॉयज। वी वॉन गाली दे रहा हूँ पहली बारी फ्लॉग में, बट भाई इतनी खुशी है ना एल्विश के लिए भाई, जीत के सच्ची में भाई। आई कुड मेरे को था भाई कि एल्विश भाई जीते, इतनी खुशी हो रही है। मैं बता भी नहीं सकता हूँ फीलिंग राइट ना भाई, अपने भाई की जीत है ना, तो सच्ची मैं दिल से चाहता था कि खुशी के आंसू ब्रो से ना हम जीत गए। शुक्रिया जिन लोगों ने सपोर्ट करा अपने भाई को, और सिस्टम हैंग, लोगों को लगता है कि भाई भाईचारा नहीं चलेगा, रहना तो सिस्टम के नीचे ही पड़ेगा। बहुत बड़े भाई आपकी दुआ है, काम कैसे वो? कंग्रेचुलेशन जीत गए, फाइनली यस थैंक यू, कंग्रेचुलेशन, सुपर प्राउड ऑफ यू मेरे भाई, और बहुत खुशी हुआ देख करके जब ट्रॉफी उठा रहे थे भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई थैंक यू, जब आओगे अभी मैं थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को वापस आने में, मैं जरूर मिलूंगा पहले ना आपसे। सुपर रिलीज में कंप्लीट रिलीज परसों दुबई से मंगवा के, दुबई से भाई तुम्हारी आउट हो रही है यार, हम रह गए पीछे भाई। आप ये आए गोवा में, सुन ये आए गोवा में चलो ठीक है, ओके लव यू भाई। ओके बॉयज पहुंच चुके हम लोग रूम में, अभी एल्विश भाई से बात भी, इतनी खुशी हुई ना भाई को देख करके। फिलहाल गाइस हम लोग पहुंच चुके अपने रूम में, एंड कल शायद एल्विश भाई से भी मिलने जाएं, कल वो गुड़गांव आ रहे हैं। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस।